almost will be. ओए तेरे तो मैं स्कूल का ले आई, तू क्या थे कांडा पे? वो मामा मेरे ना पेट में दर्द हो रही थी इसलिए मैं वापस आ गया। हैं पेट से दर्द? सुबह ले चंगे पहले तू दो परांठे खा गए हैं ते नाल तू कह रहे हैं तेरा फुटबॉल दा मैच है, पेट से दर्द कितों आ गई तेरे को? नहीं नहीं मामा वो ना मेरे असल में सर में दर्द हो रहा था इसलिए वापस आ गया। हैं सिर से दर्द? तू तो साडे घर दे सब तो सेहतमंद मुंडा है, किनू सिर से दर्द कंज हो गई? नहीं नहीं मामा सर में दर्द नहीं, आज टीचर नहीं थी आई इसलिए क्लास कैंसिल हो गई, मैं घर आ गया। मेरे ना वो तो ड्रामे ना ला, ऐ वेते टीचर ने हली स्टेटस लाया आउटफिट ऑफ द डे, चंगी भली बैठी है स्कूल दे विच। अम्मी मैं मिस एनी की बात नहीं कर रहा, मैं मिस गुफ्ता की बात कर रहा हूँ, वो नहीं आई आज। पुत्र मेरे ना बहुत ड्रामे ना कर, मैं तेरी मां ने सब कुछ पता, जो तू ड्रामे ला रहा ना मेरे ना सच सच दस रही है, चलू तेरे मुंह ते आ। अम्मी वो ना असल में स्कूल में ना एक इवेंट था इसलिए मैं वापस आ गया। ऐसा केरा इवेंट आ गया जब तू घर आ गया? मुझे सच सच दस दे केरा इवेंट सी। अम्मी वो ना पेरेंट टीचर मीटिंग थी स्कूल में। हैं पेरेंट टीचर मीटिंग सी तो मेनू क्यों नहीं दसया है? अंदरों मेरी चादर लेके आ, तेरी अज मैं रिपोर्ट लेनी है स्कूल जाके। और चोरी साहब तो मैं आख रहा हूं तुम्हारा मुंडा कामयाब हो जाएगा, तुसी पैसे लो हाथ ना ना डकिया ते ए वाहद मुंडा हैगा तुम्हारे खानदान जरा मैटर कर जाएगा, मेरी गारंटी। चल जरा अंदर तेरी सारी रिपोर्ट लेनी है, चल जरा मैं पूछ लेनी है सब कुछ ना। जी जी बैठे प्लीज। उधर नाल दी सीट ते बैठ, मां नु इथे बैठन दे। हाँ जी भाई अस्सलाम वालेकुम, आप इस बच्चे की माँ हैं? नहीं नहीं मैं दी छोटी भैन हूँ। क्या हो जी गल्ला करते हो, पेरेंट टीचर मीटिंग ते माँ नहीं आना और किन्ने आना है? नहीं मैं बस कंफर्म कर रहा था, असल में जिस तरीके से आपने इसको धकेला ना मुझे लगा कि आप इसकी माँ ही हैं। पहला तो मैंने यह दसो ना ए कोई तरीका तो नहीं है, अज मीटिंग मैंने दसा ही नहीं है, मैंने तो यह घर है तो पता लग गया। नहीं नहीं मैम कैसी बातें कर रही हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, हम हर पेरेंट के नंबर पर या कॉल करते थे या SMS कर देते हैं, बल्कि आपसे तो हमें गिला है आप 3 महीने से नहीं आ रही। क्या हो जी गल्ला करते पे, आज तेन मैं फाड़ लिया इसलिए मैं आ गई हाँ, तुम कि नंबर से कॉल करते रहो, कि माता नंबर दिता इन्हों? मामा आपका ही नंबर था। मैंने सच सच दस दे कि माता नंबर तू दिता है, सर जी दसो है कि माता नंबर लिखवाया तहु। जी मैं अभी देख के बताता हूँ आपको, ये कोई जोंग का नंबर है। जोंग का नंबर साढ़े घर तो कोई जोंग यूज नहीं करता, सच सच दस कि नंबर दिता इन्हों? मामा वो ताहा का नंबर दिया। ताहा दा? मैम ये अब ताहा कौन है, हम तो जब कॉल करते हैं कोई लेडी बात करती आगे से। सर जी ताहा है ना किसी कलाकार दा बच्चा जे, एक तो कुड़ियां ली बात कर लेंदा, पूरे मोहल्ले दे मुंडे ने पीछे लाए नु इजी लोड मंगांदा रहंदा जे। अच्छा वाह ये इतना टैलेंटेड बच्चा हमारे स्कूल का है। ओ सर जी उन्हें की लोड़ पई पढ़न दी, ओदा कारोबार इंजी चलदा पे, इंजी मुनिया को लोड मंगा लेंदा, मुन्नू तेरे अब्बे ते भी शक के रात नु भी किसी जोंग दे नंबर ते गल करदे रहंदे ने। हमें ऐसे टैलेंटेड बच्चों की तो बहुत जरूरत है, मैं चाहता हूं इस तरह का बच्चा पेरेंट्स को कॉल कर करके मीटिंग के लिए बुलाए। सर जी बेफजूल दी गल्लां छड्डो, इहदी रिपोर्ट दस्सो मैनूं मैं की कर। जी मैं आपको बताता हूँ वलीद बेटा आपका रोल नंबर क्या है? आप गलत रूम में आ गई बट मैंने कहा चले अब आप आ गई तो आपसे बात कर लेते। कटारे स्वाद स्कूल चलाना तो नहीं बता पाते रोल नंबर की है। जी मैम मैं इधर से ख्याल रखूंगा, लेट्स टॉक अबाउट योर सन। अच्छा वलीद बेटा 21 आपने बताया था जी, 21 आपका बेटा जो है ठीक है पर इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है। ठीक है इंग्लिश वीक है, सारा दिन कमरे च वर्क अंग्रेजी मूवीयां देखता रहता है, इंग्लिश तो कैंज वीक हो गया है। एक्चुअली मैम इसकी स्पीकिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन जो राइटिंग में थोड़ा सा इसको मसला था। ना 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 मैनू नहीं है मुंडा इन चाहिए है, इंग्लिश सही करके दो इन्हें तो बाहर करना है। ओए अगर तू आज तो बाद मैनू घर उर्दू या पंजाबी बोलते नजर आया ना मैं तेरी लेग्स भान देनी है। ओके मॉम। नहीं नहीं आप परेशान ना हो आपका बेटा इंग्लिश ही बोलेगा और टेंशन ना ले आपका बेटा बायोलॉजी में A+ ले रहा है। एदा कुछ भी नहीं हो सकता, एक तो इन्नी मेहनत की तू तो A+, एदा A++ क्यों नहीं आया? मैम A+ सबसे ऊपर होता है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। क्या हो जी तुम गल्ला कर दो, इंसान नु बेहतर तो बेहतरीन करना चाहिए, इन्हू होर उत्ते जाना चाहिए। जी जी मैम हम कोशिश करेंगे, आपके बेटे के ना मैथ में 20% आए। ऐ होई ना गल, लोकां दे बाल 10 जो 10 लंदे ने, मेरे मुंडे ने 10 जो 20 ले ने, शाबाश। जी जी माशाल्लाह, और तो और केमिस्ट्री में भी 15% ले रहा है लेकिन सिर्फ एक जगह पे वीक है, इस्लामियात में, उसमें सिर्फ 5% ले रहा है। आपके घर इस्लामिक माहौल नहीं है? 10 जो 5? सर जी वेखो मैं आप ही बड़ी इस्लामी है, हर वक्त नमाज रोजे कर दे रही है, सही कितने तुर गई। इसको इस्लामियात में इंप्रूव करना पड़ेगा नहीं तो इसका मैट्रिक में एडमिशन नहीं होगा। सारा ताड़ा ही कसूर है, आए दिन ताड़े स्कूल दे विच कदी कंसर्ट कदी कवाली नाइट पता नहीं की करते रहते हो, तुम इंज करो ताड़े को नहीं होना है, तुम इन 3 दिन दे छुट्टी दो, इन मैं मामे दे कोल कर लिया उते ना तबलीग ते जाएगा, तुम तो है ही निकम्मे हो। नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पे कुरान की तालीम भी दी जाती है और नमाज की ब्रेक भी अलहदा से दी जाती है, मुझे लगता है ताहा इसको खराब कर रहा है। हाँ मैनू यही लगता पे ओदा ही बेरा कर कोई आया, तो मैनू शक्लों ही सही लगता है। जी जी मैम बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप मुझे ये बताएं आपका बच्चा यहाँ से जब घर जाता है तो घर जाके ये क्या करता है? करना की है जो घर जाता उसे रोटी खाता है, बाहर निकलता सारा दिन मनूस ताहा के नाल फिरता रहता है, फिर रात को कमरे च वड़ के अंग्रेजी फिल्म देखने लग जाता है। पता नहीं कौन सी अंग्रेजी मूवियां देखता है, अंग्रेजी की फिर नहीं सही हो रही। हमारे यहाँ पे ना अकेडमी है, जो टीचर सुबह पढ़ाते हैं ना स्कूल में वो बाद में अकेडमी में पढ़ाते हैं।
आप इसका उधर एडमिशन करवा दें, आपके बच्चे की जिम्मेदारी हमारी। नहीं जी, तो मैंने पहले एडमिशन कराना ही है और तुम क्या सी इदिया हड्डियां साडियां ते चमड़ी ताडी इनू सीधा कर दो, और तरको कीता नहीं गया, हुन तरको स्कूल ते करया नहीं जांदा ते एकेडमी ते कैंज करो। नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं, हम बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मारते। तुम शक्लो कितों लगता बगैर मार तो पढ़ सकता, बगैर मार तो रोटी नहीं खाता, पढ़ना तो बड़ी दूर की गल। नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, अकेडमी में जो ना टीचर वो बच्चे के ऊपर फुल फोकस करते हैं, स्कूल में वो नहीं कर सकते, इतने ज्यादा बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती। तो आप अकेडमी में डालें, इंशाल्लाह आपका बेटा सीधा हो जाएगा। ठीक है, उठ भी पा देनी है अगर फिर भी सीधा ना आते। एक्चुअली मैम, जैसे आपने हमें बताया कि आप इसको मार के खाना खिलाती हैं, तो बच्चे के ना माइंड पे स्ट्रेस आ जाता है, उसका हल भी हमारे पास है। हमारे यहाँ पे कैंटीन पे ना वेरी स्पेशली प्रिपेयर्ड फूड है जो इनकी डाइट के हिसाब से होता है, यहाँ पे प्रेशर के बगैर ये खाते हैं, इनका माइंड भी ग्रो करता है। तो आप ऐसे करें, इसका वो खाना भी लगवा दें। नहीं 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 यार, गुजरात के बाल नहीं खा सकते डाइटा शाइटा, जो तक देसी घ्यो के परांठे ना खाए इन्हें होश ही नहीं आती। यही मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप उसको देसी फूड खिला रही है ना, तो वो डग हो गया, उसका दिमाग जो है ना बंद हो गया, जब वो इधर का खाना खाएगा ना उसका दिमाग भी चलेगा, और आप देखिएगा आपका बेटा इंशाल्लाह कामयाब होगा, इसकी इंग्लिश में भी इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, जो तुम करना कर लो, लेकिन मुंडा जरा मैंने पढ़िया लिखा चाहिए, मैंने बाहर कर ला जे। जी जी बिल्कुल, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपका बेटा कामयाब बच्चा बन के निकलेगा, जिस मर्जी मुल्क भेज दीजिएगा। एक्चुअली आपको पता है कितनी महंगाई हो गई है, तो इसकी जो फीस है ना उसके अंदर थोड़ी सी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, वही इंक्रीमेंट क्यों होता है? मामा फीस बढ़ गई है। हैं कि असली नहीं बताना कोई इंट्रीशेंट? नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है, बिजली के रेट इतने ऊपर चले गए, हम 24 घंटे तो बच्चों के लिए एसी चलाते हैं, ऊपर से बच्चों ने बसेस में आना होता है, पेट्रोल की प्राइस देखे किधर चली गई है, और टीचर की फीस भी तो हमने ज्यादा करनी होती है। हाँ हाँ हाँ, मैंने सारा पता, जो तुम एसी चलाते हो ना, दो दो घंटे पूरा दिन जाती है बिजली, और एसी चले जो नवा नवा आया है वो तो आई गल बस की, रोज मेरे को 50 रुपये कि आपके बच्चे की हालत है, इसको गवर्नमेंट स्कूल ने एक्सेप्ट भी नहीं करना। की मतलब एक्सेप्ट नहीं करना? माशाल्लाह एड्डा उच्चा जवान मेरा मुंडा है, नाले तो मैथ में 20% आंदे ने, स्कूल वाले मेरे पीछे पै जाना बल्कि न लैन वास्ते। मैम एक्चुअली ही इज गेटिंग 20% आउट ऑफ 100%। आई कैरी मामा 100 विचों 20 की तू इड्डा नलायक हो गया, 100 विचों 20 नंबर लैन है, और तू बढ़िया कह रहे हो 20% बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हो, नाल ही अपने औकात ते आ गए हो। मैं तो आपको बता रहा था, आप मुझे खुश लगी, मुझे लगा आपके लिए 20% भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको 15% का बताया, आप उस पे भी खुश होगी। तो मेनू की पता है तू 100 विचों गल दिमाग खराब हो गया, 40,000 रुपया फीस, अगर मैं इन्हें पैसे लाने होंगे तो मैं बाहर निकल दें पैसे ला के, टैक्स कि पाए नहीं बेच। मैम इनकी बुक्स पे भी टैक्स लगता है, फिर ये जो इनकी कॉपीज लेमिनेट होती है उन पे भी टैक्स लगता है, फिर ये जो कन्वेंस यूज करते हैं उस पे भी टैक्स लगता है, फिर ये जो पानी पीते हैं उस पे भी टैक्स लगता है, फिर ये जो पानी वेस्ट करते हैं उस पे भी टैक्स लगता है। हाय मेरा वीर, तू मैनू टैक्स ना सके, मेरे सिर से दर्द ला छड़ी है, जिने पैसे मैं तेरे टैक्स आंदे ने ना, इन्ने पैसे मैं जोड़ के कोई बिजनेस ना करा दा, मैं तेरे को स्कूल च नहीं रखना ही नहीं, उठ ऐसे नहीं रहना, मैं तेरे को चंगे स्कूल च पावांगी इनू। नहीं नहीं मैम, आप बैठे बच्चे का साल जाया हो जाएगा। मामा ऐसे ना करें, अगले हफ्ते ट्रिप जाना है, मरी उसके पैसे मैंने दे दिए हुए हैं। अच्छा, तेरे मरी जाने चक्कर में 40,000 फीस दे दवा तेरे, मैं उंज लाई जाऊंगी तोरे थों।